तो यहाँ पे मैंने चार मिर्ची ले ली है, थोड़ा सा 1 इंच अदरक ले लिया है और ये एक बड़ा टमाटर है। अगर टमाटर छोटा है तो 2 ले सकते हो आप। और इन सबको हम मिक्सी में ग्राइंड कर लेंगे एक बार। आप चाहो तो कद्दूकस भी कर सकते हो। मैं इसमें 2 चम्मच घी डाल दे रही हूँ। मैं इसमें 1 चम्मच जीरा डाल रही हूँ। अगर आप जीरा खाते हैं तो डालिए, नहीं तो मत डालिए। मैं व्रत का बना रही हूँ। इसमें मैंने जो प्यूरी बनाई थी टमाटर अदरक और मिर्ची की, से डाल दी इसमें मैंने। और इसे अच्छे से पका लेंगे। बहुत ज़्यादा इसे नहीं पकाना है क्योंकि इसमें हम कुछ इतना मसाले नहीं डालेंगे। खाली टमाटर को पका लेना है, बस उतना ही करना है। इसमें मैं काली मिर्च पाउडर डाल रही हूँ। अब अगर आप खाते हैं तो डालिए, नहीं तो मत डालिएगा। बहुत जन व्रत में खाते हैं, बहुत जन नहीं खाते हैं। और 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर डाली हूँ। ये भी ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहें तो डालिए, नहीं तो हरी मिर्च बढ़ा दीजिएगा। बहुत तीखा खाते हैं तो उस हिसाब से डालिएगा। ये केले मैंने 2 कट करके ले लिए हैं, ये कच्चे केले हैं। बहुत ही टेस्टी सब्जी बनती है ये। तो चलिए इसमें पानी डाल देते हैं 1 कप तक। ये कच्चा केला है इसलिए हम इसे 3-4 मिनट तक पका लेंगे। अगर आप पक्के केले का भी बनाना चाहते हो, जो जैसे कि आज हमें केला नहीं खाना होता है, कल खाना रहता है, उस तरह का कच्चा केला से भी आप पका सकते हो। मैंने इसमें नमक डाल दिया है स्वाद अनुसार और इसे ढक देंगे 5 मिनट तक, जिससे 5 मिनट में ये पक जाए। यहाँ पे मैंने ये सिंघाड़े का आटा ले लिया है 1 कप तक। और ये 4 हरी मिर्च मैंने बारीक कट करके ले ली है एकदम। और ये 1/2 चम्मच जीरा डाल दे रही हूँ और काली मिर्च पाउडर डाल दे रही हूँ। और ये केले मैंने जो पीस लिए थे, ये 2 केले हैं मैंने पीस लिए हैं मिक्सी में। और नमक डाल दे रही हूँ थोड़ा सा और इसे गूँथ लेंगे। इसमें पानी नहीं मिक्स करेंगे। अगर आपको लगता है कि सूखा है तो हल्का सा पानी मिक्स कर सकते हो। वैसे तो इस केले से ही हो जाता है ये आटा गूँथ कर। और बहुत ही क्रिस्पी अच्छी सी इसकी हम पूड़ियाँ बनाएं बनती हैं। चलिए सब्जी हो गई है, इसे बंद कर देते हैं और इसकी हम पूड़ियाँ बना लेते हैं। बहुत ही क्रिस्पी, बहुत ही टेस्टी बनती है पूड़ी। अगर आप चाहो तो इसके साथ सब्जी नहीं खाओगे तो भी अच्छी लगेगी, लेकिन ये व्रत का है तो थोड़ा व्रत में वैसे भी कुछ अच्छा अच्छा खाने का मन करता है। इसे हम छोटे छोटे बेल लेंगे। तेल यहाँ पे मैं गरम होने के लिए रख दी हूँ, गरम हो गया, इसमें डाल देती हूँ मैं। एक साथ में ज़्यादा नहीं डालेंगे वरना अच्छे से फूलेगी भी नहीं, एक एक दो दो करके ही डालेंगे। अगर आप चाहते हो कि ये अच्छे से फूले तो हम इसे आटे को गूँथ कर 10 मिनट रख देंगे तो अच्छे से फूल जाता है। ये मैंने तुरंत कर दिया है, इसके लिए देखिए इतने अच्छे से नहीं फूला। तो फ्रेंड मेरी रेसिपी बनके तैयार हो गई है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में।